ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की परिभाषा देखी थी, और परिभाषा के बाद हमने देखा था कि त्रिभुज के आंतरिक कोण किस तरह से होते हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक बहुभुज है, एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन है, जिसकी क्या होती है, जो तीन रेखाओं से बंद एक आकृति होती है। इसके बाद में हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ त्रिभुज देखा था, सॉरी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देखा था, क्या त्रिभुज के प्रकार देखे थे। तो वो क्या है, बेसिकली दो पार्ट में दो प्रकार से बटे होते हैं, एक होता है कोण के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर हमने देखा था त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद में एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर तीसरा नंबर पर हमने देखा था अधिक कोण त्रिभुज, क्या आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसके बाद में हमने उनको एक एक करके समझा था कि आपके न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, और आपका अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा था। और इसके अलावा हमने देखा था आपका क्या, भुजाओं के आधार पर कोण आपके त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है सम द्विबाहु, क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके दूरस्थ दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये हमने एक प्रॉपर्टीज देखी थी। सेकेंड नंबर की हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी, सेकेंड नंबर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज की, हमने क्या देखा था, यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इस प्रकार से दो समान भुजाएं, तो वो दो समान भुजाएं के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो भी कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पास यदि मान लीजिए थीटा वन है, ये थीटा टू है, और ये भुजा की लंबाई ए है, इसकी भी भुजा की लंबाई ए है, तो ये क्या होगा, जो आपका कोण थीटा वन होगा ये बराबर किसके होगा, थीटा टू के होगा। अर्थात दो समान भुजाओं द्वारा जो बनाया गया जो कोण होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक देखा था। इसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से और कवर की थी, यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, मान लीजिए ये क्या है, आपके पास में एक त्रिभुज है, ये आपको इस प्रकार से यहाँ पास दिखाई दे रहा है ये एंगल, इसको हमने बोल दिया एंगल ए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि यहाँ पास में एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी एंगल ए प्लस 180 डिग्री, और यदि हम इस बाह्य कोण को नाम देते हैं एक्स और इस बाह्य कोण को हम नाम देते हैं वाई, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा एंगल एक्स के और एंगल वाई के, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो लास्ट क्लास में हमने आपके त्रिभुज की यहां तक जो है क्या प्रॉपर्टीज देख ली थी। तो आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, बेसिकली जितनी भी आपकी, जो भी आपके त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको लास्ट क्लास में ही कवर किया जाना था। लेकिन यदि आप लोगों ने, कई आप में से कुछ लोगों ने यदि गौर किया हो, लास्ट तक देखा हो, तो क्या हुआ था कि पावर कटआउट हो गया था। पावर कटआउट होने के कारण क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग बस वहीं तक रुक गई थी। तो इसीलिए क्या है कि ये जो आपका त्रिभुज जो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, तो त्रिभुज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि त्रिभुज होते क्या है और त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको जो हम पढ़ रहे थे, तो ये आपका लास्ट क्लास में ही कवर होना था। बट पावर कट ऑफ होने के कारण जो आपकी लास्ट क्लास थी वो वहीं पास रुक गई थी। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास में जो आपके रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह गई थी या त्रिभुज के बारे में आपको जानना रह गया था, उसको पहले कवर करेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी इस पर आधारित, इस पर त्रिभुज या ट्राइंगल्स पर आधारित प्रश्न होंगे, और बेसिकली क्या कैसे किस तरह के जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या जो एक पैटर्न बना हुआ है कि किस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड अपॉन ट्राइंगल्स, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, आज आपकी बेसिकली फिर से आपकी एक त्रिभुज की ही क्लास है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज न केवल आपको रेखा एवं कोण वाला जो आपका या समतल आकृति की बात कर ले, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि अभी आप जब एरिया पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे। तो चलिए आज की हमारी एक नई प्रॉपर्टी है, तो वो आपको देखना है। देखो क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज के, क्या, किसी त्रिभुज के, किसी किसी त्रिभुज के दो आंतरिक आंतरिक
कोणों, आंतरिक कोण, समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण समद्विभाजक बनाया के द्वारा बनाया गया कोण, किसी त्रिभुज में दो आंतरिक कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया क्या आपका बनाया गया कोण क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस क्या होगा आपका, जो इसके अलावा जो आपका जो तीसरा कोण है, ये जो आपका इसके अलावा जो तीसरा कोण है उसके बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण ये 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण के बराबर होगा। ये आप बराबर कोण के तीसरे कोण प्लस तीसरा कोण, इसको आप तीसरा, इसको क्या कर सकते हो आप यहां से इस तरीके से इसको हटाइए, ये हो जाएगा आपका तीसरा कोण। देखिए आपसे ये बेसिकली बताना क्या चाह रहा है परिभाषा में, ये आपके पास में सपोज आपने एक क्या लिया ट्राइंगल लिया, क्लियर हो रहा है, इसको हमने एंगल को नाम दे दिया एंगल ए, एंगल बी और ये आपका एंगल सी हो गया। याद रखना जब कभी भी कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा तो क्या होगा, वो आपका एंगल होगा, यदि यहाँ पास में भुजाओं को मेंशन करना होगा तो स्मॉल लेटर्स से किया जाता है, तो ये क्या होगा इसकी ये भुजाएं हो गई। तो क्या बोल रहा है देखिए, किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण समद्विभाजक, तो देखो सपोज यहाँ पास समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये मान लो कि आपका कोण क्या है बी और ये क्या है आपका कोण सी। क्या बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब किसी एक कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। तो कितने, किसी त्रिभुज के दो की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए क्या कर दिया कि हमने पहले इस कोण को बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या होगा अब यहां से, और हमने क्या कर दिया इस सी को क्या कर दिया दो बराबर भागों में बांट दिया, समझना। तो देखो यहां से क्या हुआ, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि जब हमने कोण बी को दो बराबर भागों में बांटा तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का क्या होगा मान बराबर होगा, और यहाँ पास जो सी को दो भागों में बांट दिए तो सी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा ये क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। यदि कोई कोण दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो क्या कहलाएगा कोण समद्विभाजक कहलाएगा, और इनमें कोण समद्विभाजक कौन है तो आप बताओगे सर ये वाली रेखा जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है इसका कोण समद्विभाजक है, और ये इसका दूसरे वाले का कोण समद्विभाजक है के द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो क्या है, ये आपका पहला कोण समद्विभाजक है और ये आपका दूसरे नंबर का कोण समद्विभाजक कोण है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण। तो इन दोनों के द्वारा कौन सा कोण बनाया जा रहा है, हमने इसको नाम दे दिया कोण ओ, हमने इसको नाम दे दिया एंगल ओ। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा, तो आप क्या बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो क्या बोलोगे इसको, आप इसको आप कहोगे एंगल बी ओ सी। जब कभी भी इस तरीके से लिखेगा एंगल बी ओ सी, यहां पर समझना बी ओ सी का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला होता है यही क्या है आपके एंगल को दर्शा रहा होता है, कोण को दर्शा रहा होता है। तो बी ओ सी का मतलब क्या, यहां पर बात कर रहा है वो एंगल ओ की बात कर रहा है, तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे 90 डिग्री प्लस क्या होगा, देखो यहां पर क्या बोल रहा है तीसरा कोण, तो तीसरा कोण क्या है यहां पर देखो, एक कोण तो आपका ये था, एक कोण ये था, तो तीसरा कोण कौन सा बचा आपका एंगल ए बचा, तो आप यहां क्या कर दोगे एंगल ए लिख दोगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, समझना क्या है, मैं आपको परिभाषा में एक यदि लगातार बताता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। तो देखो किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होगा 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण लिखा आपने, और क्या कर दोगे तीसरे कोण का आधा, क्या तीसरे कोण का आधा, तो ये क्या हो गया आपका इस प्रकार से। तो यहां पास में क्या फिर यहां क्या जाएगा, देखो 90 डिग्री प्लस आपका तीसरा कोण क्या था ए, तो ये क्या हो गया यहां से आपका बाई टू। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि हम इसको मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बताऊं, तो शॉर्ट में क्या होगा देखो कि आपके पास में क्या है एक ट्राइंगल है, अब क्या कर दिया कि हमने यहां पास में ये दो एंगल है, इस दो एंगल को हमने 20 से दो भागों में बांटते हुए इनके एक कोण समद्विभाजक को हमने यहां मिला दिया, तो इनका जो यहां पास में एंगल बना
और सामने वाला जो आपको यहाँ एंगल दिखाई दे रहा होगा, यदि मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल क्या है ओ है, तो कोण ओ बराबर क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस आपका एक्स भागे दो, ये क्या होगा आपका कोण समद्विभाजक। समझ में आ रहा है? तो चलिए ये क्या हो गया आपकी एक और प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गया कि किसी त्रिभुज के दो आंतरिक समकोण, दो आंतरिक कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो तीसरे कोण के आधे से 90 डिग्री अधिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको नोट करिएगा। और इसी के साथ में इसकी एक और मिली जुली प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ये आपने देख लिया, अब इसके बाद में क्या आता है, अब एक दूसरी प्रॉपर्टी इसमें एक और आती है। अभी आपने क्या देखा कि किसी त्रिभुज के क्या हो रहे थे, ये आपके पास में एक ट्रायंगल था और इसके आंतरिक, ये बताओ मेरे को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए, ये आपको दिखाई दिया बी और यहाँ सी, तो एंगल ए बी सी क्या है, ये सभी के सभी आंतरिक कोण है। अब आप बताओ मेरे को बाह्य कोण क्या होगा, तो आप बताओगे सर इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा आपका बाह्य कोण कहलाएगा। इसी तरह से क्या करोगे, यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो ये क्या होगा आपका बाह्य कोण होगा। यदि आप इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हो तो ये वाला कोण क्या होगा आपका, सॉरी ये वाला कोण क्या होगा आपका बाह्य कोण होगा। तो आंतरिक और बाह्य कोण को यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, तो वो ये कोण था। अब जो आपको क्वेश्चन देखना है, जो प्रॉपर्टी देखना है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर समझना कि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों द्वारा बनाया गया कोण, किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के आंतरिक समद्विभाजक, सॉरी किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण। देखिएगा थोड़ा सा क्या है, परिभाषा इतनी जटिल है, सब शब्द इतने जटिल है कि वो मिक्सअप हो जाता है। देखो फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने अभी क्या किया, अभी हमने ये त्रिभुज लिया था और इसके आंतरिक कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण। अब क्या करना है कि हमको किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, यहाँ पास आपने ये क्या था आपका आंतरिक था, तो ये क्या हो गया आपका बाह्य हो गया, ये आंतरिक था तो ये क्या हो गया आपका बाह्य हो गया। तो किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण समद्विभाजक, तो क्या कर देंगे आप इसके बाह्य कोण को क्या कर देंगे, दो बराबर भागों में बांट के इस प्रकार से एक कोण बनाएंगे यहां पास। तो किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण इसके बराबर होगा। तो अब देखना यहां पास में, ये जो आपका एंगल, यदि मान लो ये आपका एंगल ए है, ये आपका बी है और ये सी है, ये क्या है सी, तो अब यहां पास एंगल ओ का मान कितना होगा, तो देखो पहले वाले में कितना था, जब अंदर बन रहा था तो 90 प्लस एंगल ए बाई टू था, अब क्या हो रहा है बाहर बन रहा है तो क्या करना है आपको, ओ का मान कितना होगा 90 माइनस कर देना है एंगल ए बाई टू, बस इतना करना है। क्या यदि बाहर बनेगा तो आपको माइनस कर देना है, और यदि इनके कोण समद्विभाजक के द्वारा कोण कहां अंदर बन रहा है तो क्या कर दोगे आप प्लस लगा दोगे, ये आपकी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये दोनों, यहां से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां से आपको, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने एक बार देखा कि किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर के द्वारा त्रिभुज के अंदर कोण बना था ये ओ, फिर क्या हुआ कि बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बाहर कोण बना था, ये आपने देख लिया। तो देखो क्या हुआ यहां पास में कि दो आंतरिक कोण समद्विभाजक थे, यहां क्या थे दो बाह्य कोण समद्विभाजक थे, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थे, इसमें क्या थे तो आपके दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे। तो अब क्या करते हैं हमारे पास में अब तीसरा केस आता है, अब हम क्या करते हैं कि एक आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये देखिएगा एक आंतरिक कोण समद्विभाजक एवं एक बाह्य कोण समद्विभाजक। तो क्या है देखो, पहली बार में क्या किया कि दो आंतरिक कोण समद्विभाजक, दूसरी बार में क्या लिया दो बाह्य कोण समद्विभाजक, तीसरी बार में क्या कर रहे हैं कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण।
देखो क्या है यहाँ पर समझना, ये आपका क्या हो गया, हमने ये ले लिया एक ट्राइंगल। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है हमको कि देखो अब क्या कर रहे हैं कि ये हमने नाम दे दिया इसको ए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब क्या करते हैं कि इसके एक आंतरिक कोण समद्विभाजक, तो क्या कर दिया हमने इसको एक आंतरिक कोण समद्विभाजक और क्या है दूसरा एक बाह्य कोण समद्विभाजक। तो मान लो क्या करते हैं ये आपका सी है, तो हमने क्या कर दिया इसको ये आपका एंगल सी का क्या है ये बाह्य कोण है, तो क्या कर दिया एक बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब बाह्य कोण को दो बराबर भागों में बांटना कि एक आंतरिक और एक बाह्य कम बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, के द्वारा बनाया गया कोण। अब आप बताइए देखिए यहां पास में कौन सा कोण बन रहा है, तो अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि एक आंतरिक कोण समद्विभाजक और एक क्या है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक, तो इसके द्वारा जो कोण बन रहा है तो वो कौन सा कोण बन रहा है, यहां पास आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, क्या आपका दिखाई दे रहा होगा एंगल ओ, इसको हमने नाम दे दिया एंगल ओ। तो कभी भी आपको इस तरीके से या तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्या ऐसा आपको डायग्राम देगा और यहां पास में आपको एंगल की वैल्यू पुट करके देगा और आपको आंसर निकालना होगा। तो समझना कि ये वाले केस में क्या होगा कि आपका जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है, नया एंगल, एंगल ओ बन रहा है। एंगल ओ का मान कितना होता है, तो यहां आप बताओगे एंगल ए बाई टू। अब इसमें क्या करना है आपको 90 प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या होगा एंगल जो ओ होगा ओ का मान कितना होगा एंगल ए बाई टू। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी हो गई, पहला क्या कि दो आंतरिक कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, सेकेंड नंबर पे होगा आपका क्या दो बाह्य समकोण कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, और तीसरी किस्म में क्या होगा एक आंतरिक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, तो कितना होगा वो एंगल ए बाई टू। चलिए अब देखिए एक नई प्रॉपर्टी, अब इसके बाद में देखते हैं एक नई प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके पास में एक त्रिभुज है, चलिए इसको हमने नाम दे दिया क्या कोण का नाम दे दिया ए, ये हमने नाम दे दिया बी और यहां हमने नाम दे दिया सी। अब क्या करते हैं कि इसमें हम क्या आपके इस त्रिभुज में क्या खींचते हैं, आपके इस त्रिभुज में हम खींचते हैं एक आंतरिक कोण समद्विभाजक, क्या करते हैं तो चलिए यहां पास में ये आपका एंगल आपको ए दिखाई दे रहा है, इस एंगल ए से क्या करते हैं एक आंतरिक कोण समद्विभाजक, तो क्या कर देगा आंतरिक कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि जिस भी कोण पे वो बनेगा उसको क्या कर देगा दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये आपका ये है, ये कितना हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका ए बाई टू हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि एक त्रिभुज में एक आंतरिक समकोण, एक आंतरिक कोण समद्विभाजक। तो यहां पास जो आपकी तीसरी सामने वाली भुजा में जहां आके मिलता है इसको हमने नाम दे दिया डी। यदि कभी आपको इस प्रकार से एग्जाम में डायग्राम मिलता है वो प्रॉपरली आपको मेंशन करके देगा, क्या करेगा कि वो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाएगा, इस प्रकार से डायग्राम बना के देगा और यहाँ पास क्लियरली मेंशन कर देगा, यहाँ लिख देगा आपको 30 और यहाँ भी आपको लिख देगा 30। तो यहाँ आपको समझ जाना है कि और इस प्रकार से यहाँ पास लिखा होगा, मान लीजिए ए बी सी डी, यदि आपको इस प्रकार से लिखा हुआ होगा तो फिर क्या करेगा आपके साथ ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले, इस एंगल को किसी भी एंगल को आपसे पूछ सकता है। तो जैसे ही आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पास में ये एक लाइन है एडी और ये क्या है आपका 30-30 है, मतलब ये एडी क्या है, एडी बराबर क्या है आप समझ जाओगे, यहां से समझ जाओगे एडी बराबर क्या है, ये आपका कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक ये क्या है आपका कोण समद्विभाजक। तो यहां से आपको यदि ये एंगल 30 और 30 यदि दो एंगल आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं और बीच में क्या यहां से आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, तो समझ जाना कि जो एडी लाइन है वो क्या है कोण समद्विभाजक है। तो यहां पास में यदि एडी, यहां पास में एडी क्या है, यदि यहां पास एडी क्या है कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक यदि यहां पास में एडी क्या है कोण समद्विभाजक है, तब क्या होगा, तब आपको ध्यान में रखना है, याद रखना कि एबी क्या लिखोगे, एबी इंटू क्या करोगे, एबी इंटू एसी बराबर कितना होगा, याद रखना एबी इंटू एसी क्या लिखोगे, एबी इंटू एसी, या तो फिर यहां से एक सेकंड देखिएगा,
तब क्या करोगे आप, इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है, तब आप लिखोगे यदि AD एक कोण संधि विभाजक है तब होगा, ये जो आपको AB दिखाई दे रहा है, AB और AC, AB बाई AC बराबर, देखो क्या हुआ आपका BD बाई DC, पहला आपको यहां से ये वैल्यू मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्या करेगा कि आपको यहां पास में ऐसा आपको ये इस प्रकार से देगा और ये बोल देगा कि इस पूरी रेखा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो आप BD की लंबाई ज्ञात करो, कई बार आपको ऐसा बता देगा। तो यहां से आपको वो हिंट दे रहा होगा कि ये क्या है, देखो आपको 30 और 30 दिखाई दे रहा है, यदि आपको ये दोनों ही एंगल बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, एक ये दो भाग है जो कि बराबर बराबर भाग है, मतलब AD यहां पास में क्या है, एक AD यहां पास में क्या है आपका एक एंगल बाइसेक्टर है। तो जैसे ही आपको ये मालूम पड़ेगा कि AD एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो आपको तुरंत ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आना चाहिए, क्या कि तब क्या होगा कि AB, देखो कौन सी वाली भुजा आपकी बट रही है, ये बस देखो यहां पास बिंदु, नया बिंदु D आ गया है ना, तो ये BD हो रहा है और ये क्या हो रहा है, CD हो रहा है, तो बच कौन कौन सी रही है आपका, AB बच रहा है और AC बच रहा है, तो AB बाई AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, BD बाई DC, पहला आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। और यहां से आपको सेकंड मिलेगा ये, यदि आपसे पूछ लेगा कि आपको AD ज्ञात करना है, क्या करना है आपको AD ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा यहां से ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, AD बराबर AB into AC कर देना, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, AB into AC माइनस BD into DC कर देना, क्या कर दोगे, BD into DC, ये। तो यहां से कभी भी आपको जब इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको दो प्रॉपर्टीज ध्यान में आनी चाहिए, क्या कि यदि कभी भी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिखाई दे रहा है, आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में आनी चाहिए कि जिस एंगल बाइसेक्टर, जिस भुजा पे आके कहीं पर आके क्या ये आपका मिल रहा होगा, तो एक पॉइंट बना रहा होगा डी, तो उस पॉइंट उस रेखा को छोड़ के जो रेखा बची होंगी, तो क्या यहां पास देखो एबी बाई एसी, तो एबी बाई एसी कर देना डिवाइडेड इक्वल टू, कौन कौन सी रेखा मिल रही है, अब आपको यहां पास बीडी मिल रही है और डीसी मिल रही है, ये कर दोगे। और यदि आपको एडी की लंबाई निकालनी है तो क्या लिखोगे, एडी स्क्वायर, याद रखना यहां पास में एडी क्या है, स्क्वायर है, अब इक्वल में स्क्वायर नहीं आएगा, इक्वल में क्या आएगा, एबी इंटू एसी बीडी इंटू डीसी, ये प्रॉपर्टी को आप नोट करो। देखिए इस चैप्टर का फायदा और नुकसान ये है, और नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा होता है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, बिना मेहनत के सिलेक्शन होना नहीं है। यदि आप सोचो कि 5-10 फॉर्मूले को पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो किसी एक आध दो टॉपिक में ऐसा तुक्का फंस सकता है कि आपने क्या किया, एक लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ के गए और आपका क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस गया या उसी सेम पैटर्न में फंस गया, लेकिन सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज मान लीजिए कि आपने ट्रायंगल से 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, वहीं से आप एग्जाम में आ गया, लेकिन ये सारी कंडीशन आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स में अप्लाई नहीं होनी है, तो तुक्का एक दो क्वेश्चन में लग सकता है, सारे क्वेश्चन में तुक्का सेट नहीं होता है। तो चलिए, तो यहाँ पास आपको क्या है बताने का मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच लो कि यार कितनी प्रॉपर्टी याद कर देंगे, कितनी प्रॉपर्टी याद करेंगे, तो हाँ भाई हमने भी याद की थी, बाकी जो लोग सिलेक्शन पा रहे हैं उनने भी याद करी है, और आपको भी याद करना पड़ेगा। और कुछ भी कठिन नहीं है, मैं आपको जितना हो सकता है उतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, यही कारण है कि क्लासेस जो है लेंदी होती हैं। अदरवाइज यहाँ पास मैं आपको, यदि आप इसी टॉपिक पे, इसी ये जो आपको बताया मैंने कॉन्सेप्ट, यदि आप इसी पे ध्यान दे रहे होगे, तो लगातार पिछले 5 मिनट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि दिमाग में आपको ये प्रॉपर्टी छपे कैसे भी करके, अदरवाइज एक बार बता के आगे बढ़ने में मेरा भी समय बच जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि समय कितना भी लगे, मेहनत कितनी भी लगे, आपको कैसे भी करके क्लास में कम से कम 40-50% कंटेंट को मैं याद करवाऊं समझा के, ये मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे, देखो भाई अभी आपने क्या देखा था, अभी तक हम बात कर रहे थे आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। अब इसके बाद में एक नया प्रॉपर्टी यहां पर जुड़ जाता है, क्या आपका एक नया आपको मिल जाएगा, ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, इसको आपने नाम दिया ए बी और ये सी। अब क्या करते हो यहां से आप कि आपने इस पे क्या कर दिया, एक कोण समद्विभाजक बना दिया, क्या डी। तो एडी क्या है, एडी आपका क्या है, कोण समद्विभाजक है। और आपने क्या कर दिया साथ में आपने एक और काम कर दिया कि इसी इस पे भुजा बीसी पर क्या कर दिया आपने, एक लंब डाल दिया।
आपने यहां पास में एक लंब डाल दिया और इसको आपने नाम दे दिया क्या, ई। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अभी इसके पहले वाले में क्या देखा था हमने कि त्रिभुज बनाया था, उसमें हमने क्या एक आंतरिक कोण समद्विभाजक डाल दिया था और उससे हमको एक प्रॉपर्टी देखने को मिली थी। अब क्या कर दिया कि हमने इस क्वेश्चन में एक नया चीज और ला दिया क्या, आपका एक परपेंडिकुलर एई। तो यहां पर ध्यान देना, यहां जो आपका एडी है यह क्या है, आपका आंतरिक आंतरिक कोण समद्विभाजक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और इसके बाद में आपको यहां पास में एक एई दिखाई दे रहा होगा, तो एई क्या है, ये आपका क्या है, लंब। ये क्या हो गया, लंब, अर्थात क्या, परपेंडिकुलर। तो यहां पास में एई क्या है, एई लंब है किस पर, बीसी पर, और एडी क्या है, आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यदि ये दोनों ही केस आपको दिखते हैं तो यहां पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना कि यहां आपको एक नया एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। देखो पहले क्या हुआ था कि आपका जो ए है वो दो बराबर भागों में बटा था, लेकिन जब हमने यहां से क्या कर दिया कि सेम सिर से इसी पॉइंट से हमने एक क्या कर दिया, आपको यहां पास में एक लंब डाल दिया, तो देखो यहां पास में आपको एक नया एंगल दिखाई दे रहा होगा। ये या क्या करता हूं मैं आपको अलग से एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, वो देखिएगा आप, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने क्या किया कि इसमें एक इस पॉइंट से क्या कर दिया हमने एक यहां पास में एक एडी, एडी क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर। तो यदि ये आपका कोण ए था तो जो एडी क्या कर दिया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। फिर क्या कर दिया हमने उसी शीर्ष से, ये क्या है आपका, यदि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये उस त्रिभुज का या किसी त्रिभुज का क्या होता है, शीर्ष, इसको क्या हम बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका शीर्ष, तो क्या कर दिया हमने सेम शीर्ष से क्या कर दिया, इस बीसी लाइन पर, ये क्या है आपका, यहां आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये क्या है आपका बी और ये क्या है सी। तो बीसी रेखा पर क्या कर दिया हमने एक लंब डाल दिया और उसको हमने नाम दे दिया ई। तो अब आपको यहां पास दिखाई दे रहा होगा कि यहां पास में आपको एक नया एंगल क्या मिल गया, ये आपको एक नया एंगल मिल गया। तो कभी भी क्या करते हैं आपसे पूछ ले कि एंगल ए ई डी, एंगल देखो ये क्या हो रहा है आपका ए ई डी, क्या एंगल, तो आपसे यहां पास में कौन सा, ये वाला एंगल बन रहा है अपना, जो ये वाला एंगल आपसे पूछ सकता है। तो कैसे बताओगे आपसे ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा ई ए डी, तो क्या हो जाएगा यहां से हट जाए, हाँ ये हो गया आपका एंगल ई ए डी। देखो ध्यान से देखना कौन सा वाला एंगल की बात कर रहा है, ये जो आपने लंब खींचा, ये लंब खींचा है आपने, और ये क्या है आपका पहले से क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके द्वारा ये वाला जो कोण बन रहा है, आपसे यदि इस कोण का मान पूछेगा, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आपको यदि प्रॉपर्टीज याद होंगी तो एक नंबर आपके सिलेक्शन आपका, यदि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो एक नंबर भी आपके नहीं, और सिलेक्शन से आप कोसो दूर। तो यहां पास में क्या आपसे पूछ रहा है, एंगल ई ए डी, क्या ई ए डी, तो यहां पास में बीच वाला किसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका मान पूछ रहा है। तो अब आप यहां पास में यदि आपको बीच में आपको ए दिखाई दे रहा होगा, समझना, यदि आपको ए दिखाई दे रहा होगा तो आप ये मत सोचना कि ये पहले वाला ए है, यहां पास में बात कर रहा है कि त्रिभुज ए ई, त्रिभुज ए ई डी में ये वाले एंगल की बात कर रहा है, किसके, ये वाले बीच वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये कितना होगा, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी भागे टू, क्या हो जाएगा, ये होता है इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू। नोट करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। और क्या करता है, आपके पिछले बात कर ले 5 से 7 साल के जितने भी आपके व्यापम या सीजीपीएससी में क्वेश्चंस हुए हैं, ये प्रॉपर्टीज कई बार आपको क्या होगी, डायरेक्टली किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। क्या करता है कि डायरेक्टली उस प्रॉपर्टीज से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वहां से मैंने क्या किया है कि उस उन प्रॉपर्टीज को जिसको कि व्यापम ने क्वेश्चन बना के पूछा है, तो उन प्रॉपर्टीज को बकायदा मैंने आपको यहाँ पास में एज ए थ्योरी पोर्शन में या आपको यहाँ पास एज ए कंटेंट में आपको दे रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी यहां से क्वेश्चन निकलेगा ताकि आपको वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ई ए डी बराबर कितना होगा, एंगल बी, ये क्या, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया हो यहां पास,
चलिए तो अभी अब आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं, आगे क्या बोलता है प्रॉपर्टी को समझिएगा। अब इसमें पहला नंबर पे देखिए, अब किसकी बात कर लेते हैं, हमारे पास में दो समकोण हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, दो समकोण त्रिभुज ये हमने बना लिया, और सेकेंड नंबर पे हमने यहां इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज को बना लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, अब आप देखना यहां से मैं आपको कुछ बना के दिखा रहा हूं। इस प्रकार से क्या किया मैंने, यहां पास में एक लाइन डाल दी, इसको मैंने नाम दे दिया ए, यहां मैंने नाम दे दिया बी, ये सी और ये डी। और ठीक मैंने क्या कर दिया, यहां भी क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से कर दिया, ये नाम दे दिया मैंने ए बी सी और ये हो गया आपका डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही आपको एक समान दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही क्या है आपके समकोण, ये क्या है आपका समकोण, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण दोनों के दोनों क्या है आपके समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है समकोण त्रिभुज है। अब मैं आपसे कहूं कि ये दोनों ही क्या है अलग अलग त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है यहां पास में, तो आपको दिखने में तो ये दोनों ही डायग्राम लगभग सेम दिखाई दे रहे होंगे, लगभग क्या दोनों ही ये सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पास में ना ये दोनों ही की जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग। देखिए कैसे, पहले केस में मैं आपसे कह दूं कि यहां पास ये जो आपको बीडी दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बीडी दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक द्विभाजक, समझिएगा ये क्या है आपका कोण समद्विभाजक। और यहां जो आपको बीडी दिखाई दे रहा है ये बीडी क्या है, ये बीडी है लंब, क्या है बीडी क्या है आपका एक लंब है। तो देखो अब प्रॉपर्टीज क्या बन जाती है, यदि यहां पास में बीडी क्या है कोण समद्विभाजक है, मतलब क्या होगा कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो क्या होगा दो बराबर भागों में ये बराबर होंगे, अर्थात जो आपका कोण बी है वो दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। यदि यहां पास बीडी एक लंब है तो ये ध्यान रखना, यदि बीडी एक लंब है सबसे पहले तो क्या होगा कि जिस भुजा पर ये जाके मिलेगा, लंब क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा, फिर भी मैं आपको एक बार यहां पर बता रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर, सपोज मान लीजिए कि क्या है कि यहां पास में आपके पास में एक त्रिभुज है, ये क्या है आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, शीर्ष ये है, और उस शीर्ष की सम्मुख भुजा मतलब उसके सामने वाली भुजा कौन सी दिखाई दे रही है, तो आपको ये वाली भुजा दिखाई दे रही है। तो किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर जो आप एक इस प्रकार से रेखा को बनाओगे, उस प्रकार से क्या करोगे एक रेखा को मिलाओगे, दो बिंदुओं को मिलाओगे, तो वो क्या होता है उस सामने वाली सम्मुख भुजा पर जहां पास वो पॉइंट मिलता है वो क्या कहलाता है, उस रेखा पर लंब कहलाता है। और जब भी किसी रेखा पे आप परपेंडिकुलर या लंब डालते हैं तो वह क्या होती है, वह 90 डिग्री पे बनती है, उस पर जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, उस पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां पास में जो आपको बता रहा हूं तो वो देखिएगा कि यहां पास हमने इस वाले सेकंड वाले प्रॉपर्टीज में क्या करा है कि ये क्या है यहां पास में एक बीडी क्या है लंब है, लंब है मतलब क्या कि यहां पास सबसे पहली चीज तो क्या है ये आपका क्या 90 डिग्री का होगा। सेकंड नंबर क्या कहा होता है कि यदि बीडी एक लंब है तो ये आपके त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर भागों में बांट देगा, कैसा दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये कभी यदि बीडी एक लंब है तो क्या करेगा, यदि बीडी एक लंब है तब ये आपके त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है, समझिएगा क्या है। और यहां पास बहुत ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने लिखा किसके लिए, ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ये सारे त्रिभुज की बात यहां पास नहीं हो रही है, केवल और केवल किसकी बात हो रही है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि बीडी एक लंब है तब के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यदि बीडी एक लंब है तब यह बीडी लंब त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा, क्या दो बराबर भागों में बांट देगा। तो चलिए पहले वाले को समझते हैं कि पहले वाले में क्या प्रॉपर्टीज बन जाएगी। तो यहां से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इन दोनों प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या पूछता है कि आप फिर यहां पूछता है कि बीडी बराबर कितना होगा, आपको जो भी डेटा यहां पास दे दे, आपको एबीसी का या कोई भी आपको एंगल दे देगा और आपसे बीडी पूछेगा। तो यहां पास क्या है कि हमको यहां पास में कंफ्यूज करने के लिए करता क्या, ये समझिएगा, यदि मान लीजिए आपको ये वाली प्रॉपर्टीज पता है और एक्चुअल में क्या कर रहा है कि आपको बीडी यहां इस स्टेप से आपको बीडी पूछ रहा है, समझना है कि यदि मान लो यहां पास आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां लिख दिया 30 डिग्री, यहां लिख दिया 30 डिग्री,
समझना। और आपको बीसी एसी और इसकी एबी की लंबाई आपको कुछ दे दिया है, मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, इसको आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये लंबाई आपको कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब आपसे क्या कर रहा है, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा किया हुआ है, और मान लीजिए यहां पर क्या कर दिया है, यहां भी क्या कर दिया है आपको 10 लिख दिया है, इसकी लंबाई 20 लिख दिया है, और इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी कर दिया है आपको 40 लिख दिया है, और यहां भी क्या कर रहा है आपसे बीडी पूछ रहा है। तो समझना गलती कहां होती है। हम कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो बीडी निकालते हैं उसको हम फाइंड आउट करके आते हैं, या कई बार क्या करता है क्वेश्चन आपसे ये पूछता है और इस ये वाले का बीडी की प्रॉपर्टी निकाल करके आते हैं। तो आपको इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो आपको क्लियरली मेंशन करके देगा, या तो वो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बता के देगा कि बीडी क्या है, एक लंब है वो आपको बताएगा, या तो क्या बोल देगा कि बीडी जो पॉइंट डी है क्या है वो एक 90 डिग्री है। जैसे ही आपको दिखाई देगा कि यदि पॉइंट डी 90 डिग्री मतलब बोल रहा है का मतलब क्या होगा कि बीडी एक लंब है, और यदि आपको वो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो साफ साफ क्या करेगा, यहां आपको वो इस प्रकार से दो एंगल लिख के देगा जो कि दोनों की दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और या तो क्या कर देगा, यदि आपको एंगल लिख के नहीं देगा तो आपको स्पष्ट बोल देगा कि बीडी यहां क्या है, एक कोण समद्विभाजक है। तो समझना यहां पास में दोनों ही क्या है, राइट ट्राई एंगल है, संपूर्ण त्रिभुज है, एक में बीडी क्या है कोण समद्विभाजक है, दूसरे में बीडी क्या है आपका लंब है। तो यहां जो आप बीडी निकालोगे, तो यहां वाले बीडी का कैसे निकालोगे, तो ये जो आपका कोण समद्विभाजक का बीडी होता है ये होता है आपका एबी इंटू बीसी। देखो यहां होगा बीडी बराबर एबी इंटू बीसी, एबी इंटू बीसी माइनस एडी इंटू सीडी माइनस एडी इंटू डीसी, या इसको आप सीडी बोल सकते हो। ये हो रहा है क्लियर आपको। तो यदि BD क्या है एक कोण समद्विभाजक है, तो BD बराबर क्या होगा AB into BC माइनस AD into DC। और यदि यहां पास में आपको क्या BD एक लंब है, तो लंब है तो क्या होगा कि त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, और तब वहां पास में क्या होगा, तब आपको यहां पास में क्या होगा समझना, पहले नंबर की प्रॉपर्टीज बनती है। यदि BD आपका क्या है एक लंब है, तो यहां से ध्यान देना यहां से क्या निकल के आता है रिजल्ट, यदि बीडी एक लंब है तो पहला केस क्या होगा कि ये त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा। अब देखना यहां पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यदि बीडी त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया है तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज बना आपका त्रिभुज ए बी सी, ये तो आपका पहले से बना हुआ था ए बी सी, और क्या दिख रहा है आपको त्रिभुज ए बी डी, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी डी, और क्या दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुज बी डी सी, एक आपको दिखाई दे दी यहां पास में क्या त्रिभुज बी डी सी, तीन त्रिभुज आपको दिख गए, एक तो मेन था और दो आपके एक पहला ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो ये जो त्रिभुज तीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, क्या होंगे, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका समरूप, क्या होंगे ये त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीडी के, और समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। ये समरूप क्या होता है अभी मैं आपको इसी क्लास में आगे बताने वाला हूं, पर इतना आपको समझना है अभी क्या, यदि बीडी एक लंब है तो एबीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा, और इससे क्या आपको जो त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीडी के और समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के, इसको नोट करिए। और यहां से आपको क्वेश्चन क्या है, अब आपको निकालना क्या है बीडी, तो देखिए यहां से बीडी कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपको मिल जाएगा यहां से आपको पहला मिल जाएगा क्या ए बी स्क्वायर, देखो क्या आपका ए बी स्क्वायर, तो यहां से कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी, पूरा का पूरा आप एसी ले लो, एसी इंटू एडी, क्या करा आपने ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर सामने वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको एसी, तो पूरा का पूरा आपने एसी लिखा, और ए बी के सामने देखो ये जो आपका ए बी है इसके सामने आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है एडी, एडी लिख दिया। अब क्या करोगे आप बीसी निकालोगे, तो क्या लिख दोगे यहां से
बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर फिर से क्या कर दोगे आप, एसी लिख दोगे, और बीसी के सामने कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये आपका बीसी है, तो कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो क्या कर दोगे आप इसमें सीडी कर दोगे, ये हुआ आपका। अब क्या बचा आपका, यहां से बचा बीडी, तो बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एडी इंटू सीडी, ये आपको याद रखना है, क्या एडी इंटू सीडी, आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बीडी, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, बीडी आपको यहां से मिल गया, आपको एग्जाम में यहां से बीडी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा यदि आपको बीडी निकालना है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, बीडी बराबर और क्या हो सकता है, देखो इसको आप कर दो ए बी, ए बी गोड़े क्या कर दोगे यहां पास कर दोगे बीसी, बीसी और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप इसको एसी। बीडी निकालना है तो ए बी गोड़े बीसी भागे एसी, तो दो तरीके निकालने के यहां से आपको बीडी मिल गए। एक तो क्या मिल गया, पहला बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा एडी इंटू सीडी, और बीडी बराबर क्या होगा ए बी इंटू बीसी डिवाइडेड बाई एसी। इसको नोट करिए, ये वाले कॉन्सेप्ट से एग्जाम में आपको क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है व्यापम में डायरेक्टली, यहां से आपसे बीडी पूछता है, बस ध्यान में क्या रखना है कि बीडी यहां लंब है कि बीडी यहां बस एक कोण समद्विभाजक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको क्लास, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो यदि आप पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हो, पर बिलीव करिए बहुत आसान है, मेरा विश्वास करिए बहुत आसान है। अभी आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, घर में जाकर सिर्फ एक बार देखिएगा कि आपने आज क्या पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जब हम इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, बता रहा हूं मैं आपको, यहां से फ्री फुकट के नंबर मिलते हैं आपको, ये एक बार बस खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फ्री फुकट के नंबर मिलते हैं। बताइए ना यहां से क्या पूछ रहा है आपको, बीडी पूछ रहा है। यदि आपको सिर्फ इतना मालूम पड़ गया कि बीडी यहां क्या है लंब है, यदि आपको यही मालूम पड़ गया कि बीडी लंब है तो बीडी बराबर क्या होगा एडी गुणे सीडी या डीसी, जो बोल लो उसको आप, और क्या बोल सकते हो, आपको बीडी निकालना है तो क्या करोगे ए बी इंटू बी सी भागे ए सी, ये क्या निकाल लिया आपने, बीडी निकाल लिया। और ये तीनों त्रिभुज कैसे बन जाएंगे, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा, ये तीन त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों क्या होंगे एक दूसरे के समरूप होंगे, ये प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए भाई अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, चलिए अभी हमारे पास में क्या आ गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आता है, एक हम पढ़ते हैं माध्यिका, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या मीडियन, और सेकंड नंबर पे क्या है आता है आपका, यहां पास आपको दिखाई दे रहा है लंब, इसको हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। देखिए माध्यिका और लंब ये क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके पहले आप लोग मेरे को चीज बताइए कि यहां जो आपको लंब, लंब को हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं परपेंडिकुलर, ये तो आप ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसके अलावा कहीं आपने परपेंडिकुलर का नाम सुना है, किस व्यक्ति का नाम परपेंडिकुलर आपने इसके पहले सुना हुआ है, एक पिक्चर में एक किरदार था परपेंडिकुलर, यदि आप लोगों को पता हो कि बताइए कौन सी पिक्चर है जिसमें एक किरदार का नाम परपेंडिकुलर है तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये केवल एक फनी थिंग्स है ना, वही मतलब इसको मजाक में लेना आप लोग। तो चलिए ये क्या हो गया आपका एक लंब अर्थात क्या परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या हो गया आपका माध्यिका। अभी देखिए कि हमारे पास में क्या है, दो त्रिभुज है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिए दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड नंबर का त्रिभुज। अब समझना हमको कि ये माध्यिका क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसको आप क्या बोलोगे, किसी भी त्रिभुज का ये क्या है शीर्ष है, ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है सभी त्रिभुज के, एक त्रिभुज के क्या है शीर्ष है, यहां भी क्या है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका शीर्ष है, ये आपको पता होना चाहिए पहला चीज, इसको हम क्या कहते हैं इसमें वर्टेक्स, बात नंबर एक। अब क्या है कि एक आपको पूछता है कि माध्यिका क्या है, तो माध्यिका बताओगे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष एवं क्या, किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये किसी त्रिभुज के शीर्ष एवं उसकी सम्मुख भुजा, तो शीर्ष के सामने वाली भुजा क्या है, देखो शीर्ष और इसके सामने वाली भुजा क्या है, क्या है ये है, यदि मान लीजिए कि त्रिभुज आपका एबीसी है, ये आपका त्रिभुज एबीसी है, तो जो शीर्ष ए है इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, तो आप बताओगे बीसी, तो ये क्या है आपका बीसी क्या है, उस शीर्ष की सम्मुख भुजा है, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, तो ये जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है डी, या क्या डी, डी क्या है यहां पास, डी क्या है, डी क्या है मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु किसका, ये किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष के सम्मुख मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी माध्यिका कहलाती है। आ रही बात समझ में, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष के सम्मुख की जो भुजा है के मध्य बिंदु, तो देखो शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी है, और यदि डी उस बीसी रेखा पर क्या है, उसका मध्य बिंदु है। यदि ये क्या है, ये आपका डी क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि फिर जो बीडी होगा और जो आपका डीसी या सीडी होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, इसके बीचों बीच में है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, तो आप बताएंगे किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी पहली माध्यिका हो गई, ये हो गई आपके दूसरे नंबर की माध्यिका, और ये क्या हो गई आपके तीसरे नंबर की माध्यिका, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गई आपकी तीन माध्यिकाएं हो गई। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज की केवल और केवल तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं, तीन से अधिक माध्यिकाएं नहीं हो सकती हैं। इसके बाद में आपसे यहां पास में एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उसको नोट करिएगा। जहां ये तीनों माध्यिकाएं मिल रही है, जहां ये तीनों माध्यिकाएं मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। जहां तीन तो हमारे पास में, चलो हम उसको नाम देते हैं, ये जो है आपकी M1 मीडियन नंबर वन, इसको हमने नाम दे दिया मीडियन नंबर टू M2। मीडियन का मतलब क्या, आपका माध्यिका, और इसको हमने नाम दे दिया M3। तो M1 M2 M3 क्या है, तीन माध्यिकाएं हैं। और जहां पास ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिल रही है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उन मिलान तीनों माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्या, केंद्रक। इसको हम कहेंगे केंद्रक। ये क्या होगा आपका, सेंट्रॉइड। क्या होगा आपका, ये सेंट्रॉइड, केंद्रक। हुआ क्लियर आपका। अब देखिएगा यहां पास में ये क्या है, आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या नाम दूंगी, त्रिभुज ए बी, और ये आपको दिखाई दे रहा है सी। इस त्रिभुज एबीसी में यदि क्या है आपको, यहां पास में ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये हमने एक लंब डाल दिया। क्या, इस त्रिभुज एबीसी में यदि हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। और अभी मैंने आपको लंब की परिभाषा क्या बताई थी, कि किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला, अर्थात क्या होगा कि वह उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। एक रेखा जो उसके शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो क्या होगा, उस रेखा, उस आपके त्रिभुज का या उस रेखा का क्या होगा, उस रेखा पर लंब होगा। फिर समझना, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक रेखा यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वह रेखा क्या होगी, उस भुजा पर लंब होगी। क्या होगी, उस भुजा पर लंब होगी। तो यह क्या हो गया आपका, क्या हो गया उसका, आपका लंब हो गया। तो हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया क्या, ये डी। तो यहां पास में एडी बराबर क्या है, यहां से एडी बराबर क्या हो गया आपका, एक लंब हो गया। ये क्या हो गया आपका, एडी, एक लंब हो गया। और यहां जो आपको एडी दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहां पास में इसको मैं नाम दे दो, ये ए बी सी डी, इसको हमने नाम दिया ई, और ये यहां आके मिली एफ, और क्या हुआ, हाँ, ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्या हो गया यहां पास में आपका, एडी बी ई और सी एफ, ये क्या है आपकी माध्यिकाएं हैं। और यहां पास ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एडी एक लंब दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से क्या करो, यहां पास में आप एक लंब और डाल दो, और यहां से भी क्या कर सकते हो, एक लंब आपने और डाल दिया। जब कभी भी आप किसी भुजा पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वहां पास में आपको ये साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात क्या, 90 डिग्री का ये साइन होता है। आप इस साइन का प्रयोग कर रहे हो, मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है। और यदि आप ऐसा लिख रहे हो, मतलब ये 90 डिग्री नहीं, कुछ और ही कोण है ये एंगल, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इस प्रकार से कोण बनाते हो, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और यहां पास में जो आपकी भुजा आपकी क्या है, ए बी, इस पे भी क्या है, ये एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो समझना, माध्यिकाएं जहां मिलेंगी वो क्या होगा, केंद्रक होगा। माध्यिकाएं जहां मिलेंगी, माध्यिकाओं का जो मिलने का बिंदु होगा वो क्या होगा, आपका केंद्रक होगा। और लंब जहां मिलेंगे वो क्या होगा, आपका लंब परिकेंद्र होगा। ये क्या कहलाएगा आपका, लंब परिकेंद्र।
इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंट्रॉइड। नोट करिए इसको। तो ये क्या हो गया आपके माध्यिका, और माध्यिका का मिलान बिंदु क्या हो गया, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु हो गया क्या आपका केंद्रक। फिर हमने देखा लंब, लंब क्या होते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर यदि 90 डिग्री का एक रेखा का 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो वह रेखा क्या होगी, उस भुजा पर लंब कहलाएगी। तो तीनों लंब को यदि आप देखोगे जहां पर वह बिंदु त्रिभुज के अंदर, वह बिंदु जहां तीनों लंब एक दूसरे से को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लंब परिकेंद्र कहलाएगा, ऑर्थो सेंट्रॉइड कहलाएगा। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर्टी यहां पर और ध्यान रखना है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेंट्रॉइड दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज में जो आपका केंद्रक होगा, त्रिभुज में जो केंद्रक होगा वह किसी भी माध्यिका को, त्रिभुज में जो केंद्रक बनता है आपका, ये आपका केंद्रक में नाम दे दिया ओ। तो त्रिभुज में जो एक केंद्रक होगा वो माध्यिका को 3:1 में काटता है, इसमें 3:1 में, सॉरी 2:1 होगा माध्यिका वाला कॉन्सेप्ट में पकड़ेंगे, तो ये आपका माध्यिका को काटा 3:1। हाँ तो ये यहां पर में क्या हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया यहां पर मैंने, ये क्या होगा आपका कि जो आपका केंद्रक होगा, यह केंद्रक आपके इस माध्यिका को, ये जो आपको माध्यिका दिखाई दे रही है इसको 2:1 में काटेगा, इसमें 2:1 में। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा, 2 भाग होगा, और ये कितना होगा, 1 भाग होगा। तो जो आपका केंद्रक है किसी भी माध्यिका को, इसको भी क्या कर रहा है, 2:1 में काट रहा है, मतलब इसकी लंबाई यदि इस पूरी की लंबाई 3 है, यदि मान लो कि एडी आपकी माध्यिका एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पास में एओ की लंबाई कितनी होगी, यहां एओ की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद में ओडी की लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है तो जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है, इसको नोट करिएगा। चलिए चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में एक त्रिभुज है, या आपके पास में एक त्रिभुज है, इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी, और इसको हमने नाम दिया सी। इस त्रिभुज में यदि हम क्या करते हैं, एक माध्यिका यहां बनाते हैं। माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब क्या कि ये दोनों भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भुजा पर एक माध्यिका खींचोगे तो क्या करेगी, वो उसको 2 भागों में बराबर कर देगी। मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ ना, मध्य बिंदु को मिला रही है, मतलब क्या, यदि एडी क्या है यहाँ पास में, यदि एडी क्या है आपका एक माध्यिका है, एडी बराबर क्या है, यदि एडी क्या है एक माध्यिका है, तो क्या होगा, माध्यिका क्या होती है कि उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या क्या कह सकते हैं कि यदि किसी भुजा पर आपने माध्यिका खींची है तो क्या करेगी, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। अर्थात आपको एक बात यहां से और याद रखना है कि जब कभी भी आप किसी त्रिभुज पर एक माध्यिका खींचते हो तो वह माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। माध्यिका क्या करती है, उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसको नोट करिए कॉपी में, किसी भी त्रिभुज में यदि आप एक माध्यिका खींचते हैं तो वह माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज आपका ए बी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एडीसी के, एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर, एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि यहां पास दो भुजाओं का योग, देखो एबी प्लस एसी का जो योग होगा, इनका जो योग होगा यह बड़ा होगा दुगने किसके, आपके माध्यिका से। यह बड़ा होता है हमेशा क्या, आपके दुगने ऑफ माध्यिका, माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। यदि एडी एक माध्यिका है, यदि यहां पास में एडी एक माध्यिका है, एडी क्या है एक माध्यिका है, तब क्या होगा कि अन्य 2 भुजाओं का योग उस माध्यिका के 2 गुने से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो माध्यिका क्या है, एडी उसके 2 गुने से कौन अधिक होगा, इन 2 भुजाओं का योग माध्यिका के 2 गुने से क्या होगा, अधिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज को। चलिए इसके बाद में एक प्रॉपर्टी यहां पास और इंपॉर्टेंट आती है,
कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और इस त्रिभुज में यहां पास में एक बीच में एक पॉइंट है ओ, ओ यहां पास में क्या है, ये क्या है, मान लीजिए इस त्रिभुज का केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है बताइए, केंद्रक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या हम कहेंगे उसका माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। तो किसी भी त्रिभुज के केंद्रक, किसी भी त्रिभुज के केंद्रक से अन्य दो भुजाओं, मान लीजिए कि ये जो एक पॉइंट है इसको हम ले रहे हैं डी और इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ई, तो ये क्या है, यदि यहां पास में डी और ई ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसके, भुजा जो डी मध्य बिंदु है किस भुजा पर, भुजा एबी पर, भुजा एपी पर मध्य बिंदु है, और जो आपका ई है ये आपके भुजा एसी पे क्या है, मध्य बिंदु है। यदि डी और ई मध्य बिंदु है, और यदि क्या कर ले हम यहां पास में आपका एक कोण लिए हैं, ये हमने एक कोण लिया है क्या आपका, ये देखिएगा, ये क्या कर दिया हमने एक ये लिया, और ये क्या है, वो क्या है आपका केंद्रक है, क्या है केंद्रक, और डी और ई क्या है, यहां वहां से डी और ई क्या है, ये आपके भुजा ए बी और ए सी पर क्या है, आपके मध्य बिंदु है। तो ये आपके केंद्रक, यहां आपके केंद्रक और मध्य बिंदु, ये केंद्रक को और ये दो हमने क्या कर दिया, ये दो मध्य बिंदु को मिला दिया, मान लीजिए आपका जो ई है वो ये है, ठीक है, तो ये क्या है आपका ई है और ये क्या आपका डी है, और इस केंद्रक से क्या कर दिया हमने, इसको मिला दिया। तो जो आपके केंद्रक और मध्य बिंदु से मिलकर एक त्रिभुज बना अंदर, तो आपको यहां पास में एक अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तो जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप बताओगे क्या त्रिभुज जो आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या डी, त्रिभुज डी ई ओ का क्षेत्रफल, का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, एक बटे बारह गुना होगा किसके, एक बटे बारह गुना होगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, बस ये आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी, तो आप डायरेक्टली आंसर पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे। तो क्या होगा, ये आपका त्रिभुज डी ई ओ का जो क्षेत्रफल होगा वो एक बटे बारह होगा किसके, आपके जो आपका मेन त्रिभुज क्या है, एबीसी। चलिए इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, वो क्या बोलता है अगली प्रॉपर्टी में आपसे, कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो चलिए अभी क्या देख रहे हैं कि सपोज आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, या तो चलिए यहां से समझिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम पड़ रही है। आपके पास में दो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है क्या आपके पास में सर्वांग समता, सर्वांग समता, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, और एक आपको होती है समरूपता, एक होती है समरूपता, इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी। तो क्या आपका सर्वांग समता, एक क्या होता है आपका सर्वांग समता, और एक क्या होता है आपका सिमिलैरिटी, इसको हम क्या कहते हैं, समरूपता। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यह सर्वांग समता अर्थात कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, और दूसरा क्या आपका समरूपता क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके माध्यम से, त्रिभुज के उदाहरण के माध्यम से, पहली कंडीशन कि कोई त्रिभुज सर्वांग सम होंगे एक दूसरे के, कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे अर्थात क्या कॉन्ग्रुएंसी में होंगे, कब होंगे। यदि मान लीजिए आपके पास में पहला एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और ये आपके पास में एक दूसरा त्रिभुज है, तो इसकी क्या है, ये वाली त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और ये क्या है आपका डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, मतलब कब, जब आपका ए बी और आपका डी ई बराबर होंगे, जब आपका बी सी और ई एफ बराबर होंगे, जब आपका ए सी और आपके यहां पास में क्या डी एफ क्या बराबर होंगे। समझ में आ रहे हो कि यदि ए बी की लंबाई बराबर होगी इसके डी ई की लंबाई के बराबर, अर्थात क्या यहां पास, यदि देखिएगा ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब, यदि ये दो होगा, ये दो होगा, यदि इसकी लंबाई चार है और ये भी चार होगा, यदि इसकी लंबाई आठ है और इसकी लंबाई आठ है, तो ये क्या होंगे आपके सर्वांग सम होंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर आपकी क्या प्रॉपर्टी आती है उसको देखिएगा, अभी क्या है तीनों भुजाएं बराबर की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे क्या बोल देता है कि त्रिभुज क्या होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब, जब उनकी दो भुजाएं
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, या तो फिर ये और ये वाली भुजा बराबर हो, अर्थात क्या, दो भुजाएं बराबर हो और कोई एक कोण, ये वाला कोण मान लीजिए थीटा वन है, तो ये भी क्या आपका थीटा वन ही होना चाहिए। आ रहा है समझ में? पहले वाले में क्या कि जो आपकी भुजा ए बी है ये बराबर होनी चाहिए डीई के, तो क्या है आपकी संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब आपका क्या बोल रहा है कि कोई दो भुजा बराबर हो, यदि मान लीजिए यहां पास में क्या है बराबर होने का मतलब ये भी टू हो, ये भी टू हो, ये वाली भुजा की लंबाई चार हो, इसकी लंबाई चार हो, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये यदि मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या होंगे आपके दो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसके बाद में थर्ड नंबर इसमें क्या आता है, या तो आप इसमें ये कह सकते हो कि आपके ये आपके दो त्रिभुज हैं, आपके पास में क्या है ये दो त्रिभुज हैं। आप क्या करते हैं कि कोई एक भुजा बराबर हो, मान लीजिए ये और ये भुजा बराबर है, और कोई दो कोण क्या हो बराबर हो, ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या हो बराबर हो। मतलब क्या है देखिएगा, यदि ये मान लीजिए दो है तो ये भी दो होना चाहिए, ये वाला कोण यदि 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होना चाहिए, और ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन मैच होती है, यदि ये तीनों कंडीशन मैच होती है तब क्या होगा आपका ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम होगा। आ रहा समझ में आपको? अब देखिए यहां से, अब हमने क्या देख लिया, ये त्रिभुजों की सर्वांग समता देख ली। अब हम समझते हैं कि त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ये तो क्या है आपको समझना था। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, क्वेश्चन बनते हैं समरूपता से, किससे, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन बनते हैं और भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, यहां पहला केस लेते हैं, हमने क्या कर लिया यहां दो त्रिभुज बना लिया इस तरह से। अब देखो क्या बोल रहा है कि यहां पर संगत भुजाएं क्या थी, बराबर। ध्यान देना यहां पास क्या बोल रहा है आपसे, यहां ये बोलता है कि जो संगत भुजाएं हो, पहली भुजा और ये वाली भुजा, अर्थात क्या संगत भुजाएं, ध्यान दीजिएगा मैं इसलिए लिख रहा हूं, संगत भुजाएं समान, यहां पास क्या था संगत भुजाएं समान हो, यहां पास में क्या है संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, इसमें हो समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। मतलब समझना, समान अनुपात का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए कि क्या है आपका, ये आपका दो है और ये आपका क्या है आठ है, ये आपका ये वाली भुजा की लंबाई चार है और ये वाली भुजा की लंबाई क्या है आपकी सोलह है, ये वाली भुजा की लंबाई क्या है आपकी पांच है, कितनी पांच, और ये कितनी है बीस। तो आपसे क्या बोल रहा है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो आप देख लो, यदि मान लो इसको हमने क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दो, इसको हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, इसको हमने नामकरण कर दिया डी ई एफ। तो यदि त्रिभुज ए बी सी, और देखो कैसे आते हैं, यदि 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 त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूप का साइन क्या होगा ये, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तब क्या होगा आपका, देखो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होना चाहिए। इसको नोट करिएगा इसके आगे, संगत भुजाओं भुजाएं समान अनुपात में, अनुपात में होंगी, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, होंगी, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ए बी भागे डी ई ये बराबर होगा यदि दो त्रिभुज समरूप है, तब यदि दो त्रिभुज समरूप है तब क्या होगा, देखना पहला ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर होगा AC by DF। यदि दो त्रिभुज क्या है समरूप है, यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो आपको पहला केस क्या मिल गया, पहला केस क्या मिल जाएगा आपको, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत, संगत भुजा क्या है, देखो AB के संगत क्या है DE है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, देखो ये BC का संगत क्या है, BC का संगत EF है, AC का संगत क्या है DF है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आपको ये नोट करना है, प्रूफ चेक कर लो, ये कितना है ए बी कितना है दो है,
और आपका DE कितना है 8 है बराबर। देखो आपका BC कितना है 4 है और ये कितना है 16 है और ये कितना है 5 है और ये कितना है आपका 20 है। काटो, 2 एक कम 2 चौको, 4 एक कम 4 चौक, 5 एक कम 5 चौक, सभी में किसका कितने का अनुपात है, सारे के सारे 1:4 में है। तो संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, तब क्या होगा AB by DE बराबर BC by EF बराबर आपका AC by DF। ये क्या हो गया आपका समरूपता पर पहली प्रॉपर्टी हो गई, समरूपता पर ये पहली प्रॉपर्टी है। चलिए अब क्या करते हैं समरूपता पर दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमने किसकी बात करी, यदि तीनों ही भुजाएं क्या है यहां पास में, तीनों ही भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, तीनों ही संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं, यहां देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी, अब पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। देखो भाई अब क्या करते हैं कि यहां हमने क्या कर दिया था, तीनों भुजाओं को बराबर ले लिए थे, अब इसमें क्या करते हैं हम दो भुजाओं को बराबर लेते हैं, ये और इसकी बात कर लेते हैं, दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण, ये वाला थीटा वन और ये भी क्या आपका थीटा वन। तो जब दो भुजाएं संगत भुजाएं, जब दो संगत भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, पहली कंडीशन में क्या करा था हमने कि तीनों ही भुजाएं, तीनों ही संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो। अब क्या बात कर रहे हैं कि दो भुजा और एक कोण, पहले वाले में हमने क्या लिया था, तीनों भुजाओं को लिया था, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दो संगत भुजाओं की बात कर रहे हैं और एक कोण की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पास संगत भुजा क्या क्या है, मान लो ए बी सी डी E और F। अब यहां पास में संगत क्या क्या है, तो आप बताओगे AB और DE, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर कब होगा जब त्रिभुज आपका ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और समरूप कब है जब उसकी दो संगत भुजाएं और एक कोण, पहली कंडीशन क्या है कि तीनों संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और एक कोण बराबर हो। तो देखो दो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AB बाई DE और दूसरी क्या है आपका BC बाई EF, एक ये मिल गया और दूसरा आपको यहां से क्या मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आपको थीटा वन, यहां से क्या है आपको ये थीटा वन बराबर, ये आपको इसको आप थीटा टू दे दो, लेकिन दोनों के मान कैसे होने चाहिए, दोनों के मान बराबर होने चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है, थीटा वन और थीटा टू के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो क्या होगा आपका त्रिभुज संगत होगा। और इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या आती है कि सभी कोण बराबर हों, या तो सभी कोण बराबर हों। यदि सभी कोण बराबर होंगे किसी दो त्रिभुज के, सभी कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज कैसे होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तो फिर से आपको बता रहा हूं कि पहले केस में क्या है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, कब, यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो और एक उनका कोण क्या हो, बराबर हो, दोनों में एक एक कोण क्या हो, बराबर हो। थर्ड नंबर पर क्या बोल रहा है कि सभी कोण बराबर हो, यदि किसी दो त्रिभुज में सारे के सारे कोण क्या हो, बराबर हो, ये वाले कोण का मान मान लो 60 है और ये वाले कोण का मान भी क्या है आपका 60 है, इसका कोण मान लीजिए क्या है आपका, यहां से इसका कोण ले लो आप 40 और इसको भी क्या ले लो आप 40, इसके बाद में इसको क्या ले लिया आपने 80, ये 80 ले लिया और ये भी क्या ले लिया आपने 80। तो सारे कोण क्या हो, बराबर हो, तब दो त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। चलिए इसके बाद में एक प्रॉपर्टी देखते हैं, आप मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये क्या है आपका पहला केंद्रक है, इसको हमने नाम दिया M1, यह है आपका दूसरा केंद्रक, इसको हमने नाम दिया M2, और यह है क्या है आपका तीसरा केंद्रक, इसको हमने नाम दिया M3, यह आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद में देखना, यह हो गया आपका एक त्रिभुज, इसके बाद में यह क्या है आपका, मान लीजिए क्या है ये ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई H1 है और यह क्या है आपका M1 M2 3 क्या है, यह क्या है आपका आपके केंद्रक है। इसके बाद में क्या करते हैं हम एक त्रिभुज और लेते हैं, इस प्रकार से ये लिया, अब क्या कर देते हैं सेम इसमें भी कर देते हैं, ये हमने ले लिया पहला केंद्रक, ये ले लिया दूसरा केंद्रक और ये ले लिया हमने तीसरा केंद्रक।
इसका नाम भी क्या कर दिया हमने यहां पास में, इसका नामकरण भी हमने कर दिया M1, M2, M3, और इसका नाम भी क्या कर दिया हमने M1, M2, M3, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका M1, M2, M3, तीनों का नामकरण एक कर देंगे, तीनों का नामकरण एक कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो यहां से काम करो, इसका नाम कर दो क्या आप, इसका नाम कर दो M4, और इसका नाम कर दो आपका, ये M4 हो गया, ये क्या हो गया M5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका M6 हो गया अभी के लिए, और ये हमने इसको बोल दिया S2, और इसका नाम क्या कर दोगे आप, इसको आप दे दो A B C, ये क्या कर दोगे आप D E F, ये आपने कर दिया। यहां से समझना ये है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से मतलब ये तो आपको बनना ही चाहिए, ये जो आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये आपको बनना ही चाहिए। यदि त्रिभुज, क्या नोट कर दिएगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तब क्या होगा वो आपको समझना है, तब क्या होगा, या तो इसको मिटाओ, इधर देखो, तब क्या होगा, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तब आप क्या बताओगे कि तब आप देखना क्या होगा, यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, देखना बराबर किसके होगा, सबसे पहला ये मान लो क्या है आपका, ये आपका M1 है और ये क्या है आपका M6, तो ये वाले में देखो ये M1, ये दोनों ही क्या है, देखो ये वाली माध्यिका और इसमें ये वर्टिकल माध्यिका की बात हो रही है, तो M1/M6 है ना, संगत की बात हो रही, संगत मतलब क्या कि दोनों की पोजिशन क्या सेम है, ये देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है और यहां पास ये वाला दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी संगत माध्यिकाएं होंगी उनका अनुपात, तो यहां पास पहले वाले में M1 और इसमें क्या किया हमने इसको M6 को ले लिया, तो M1/M6 का वर्ग बराबर होगा उनकी ऊंचाइयों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात की, इसमें क्या है ये ऊंचाई H1 है और ये उसमें क्या है ऊंचाई आपका H2 है, बराबर होगा किसके, बराबर होगा त्रिभुज आपका जो ABC का परिमाप है, त्रिभुज आपका जो ABC का परिमाप है, या मान लो कि S, किसी त्रिभुज का परिमाप क्या, अर्ध परिमाप क्या होता है उनकी तीनों भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है उनकी उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, तो मान लीजिए कि इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो S1 है और इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो S2 है, तो वह बराबर होगा दोनों के अर्ध परिमाप के वर्ग के बराबर, यह आप देख रहे हो, और क्या होगा, और बराबर होगा संगत भुजाओं का AB/DE के वर्ग के बराबर, AB/DE का वर्ग, देखिएगा इसको आप आगे बढ़ाना, बराबर करो क्या हो जाएगा आपका BC/EF का वर्ग, EF का वर्ग, और बराबर किसके होगा ये आपका AC/DF का, AC/DF के वर्ग के, मतलब क्या होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि ABC और DEF समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह बराबर होगा उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होगा, या उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होगा, या उनके संगत अर्ध परिमाप के बराबर होगा, अर्ध परिमाप के वर्ग के बराबर होगा, या तो फिर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा AB/DE के स्क्वायर के बराबर, BC/EF के स्क्वायर के बराबर, और आगे AC/DF के स्क्वायर के बराबर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रखना। चलिए बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको और देख लेते हैं। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टीज को और देख लीजिए, फिर आपकी त्रिभुज की सारी के सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। लास्ट प्रॉपर्टी और देखिएगा, ये हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, इसका नाम दिया ए बी और इसका नाम दिया सी। इस ABC में हमने क्या कर दिया, इसकी ये दो मिड पॉइंट लिए, इनको मिला दिया
और ये जो हमने नाम दिया इसको डी और इसको नाम दिया हमने ई। यदि यहां पर मैं कहता हूं कंडीशन है कि डी ई, ये जो आपको रेखा डी ई दिखाई दे रही है ये समानांतर है या ये क्या है पैरेलल है रेखा बीसी के। यदि डी ई समानांतर है बीसी के तब क्या होगा, तब आपको नोट करते जाना है पहला कंडीशन क्या होगा, जो आपका एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, एंगल जो आपका डी बराबर होगा एंगल बी के, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, एंगल जो आपका ई होगा, जो आपका कोण ई होगा वो बराबर होगा किसके कोण सी के, और ये क्या होगा ये आपको दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। इसके बाद में आपको यहां पास में एक केस और मिल जाएगा, क्या होगा देखो एडी एडी बाई डीवी, एडी बाई डीवी क्या दिखाई दे रहा है आपको, एडी बाई डीवी दिख रहा है आपको, एडी बाई डीवी, एडी बाई डीवी किसके बराबर होगा एई, एई बाई ईसी के बराबर होगा पहला कंडीशन। दूसरा देखो कि पूरा का पूरा लो एसी को लो, पूरा का पूरा किसको लो एबी को लो, एबी बाई देखो अभी क्या कर दिया पूरा का पूरा एबी बाई एडी को लिया, एबी बाई एडी को लिया, तो यहां भी क्या करोगे पूरा का पूरा क्या लोगे एसी को लोगे, और एसी बाई किसको लोगे आप ऊपर वाले भाग को लोगे, किसको लोगे आप एई को लोगे, ये क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर क्या करो फिर से क्या करो आप यहां पास में हमने क्या कर दिया एबी लिया, इसके पहले क्या हमने एडी लिया था, ये हमने एडी लिया था, अब क्या करते हैं पूरा लेते हैं एबी और नीचे क्या लेते हैं डीई डीबी को लेते हैं, ये क्या ले दिया हमने डीबी। अब क्या होगा फिर से आप पूरा लो एसी लो पूरी लंबाई को एसी, और क्या लोगे इस बार क्या करोगे आप इस बार ईसी को लोगे, ये हो गया आपका ईसी। ये तीन कंडीशन बनी आपके साथ में, यहां पास दिख रहा है, तो ये आपको इस प्रकार से होगा। और इसके बाद में ध्यान रखना क्या हो गया ये, तो ये आपको सारी की सारी कंडीशन आपको दिखाई देगी कब, जब आपका डीई किसके पैरेलल होगा, आपके डीई पैरेलल होगा किसके बीसी के। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज थी त्रिभुज की। तो लगभग लगभग अब क्या आपकी सारी भी जो त्रिभुज की अंतर्गत आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हमने क्लास में अपने कवर कर ली है। मैं मानता हूं कि क्लास बहुत लंबी हो गई है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ी है तो एक बार में समझ में नहीं आता है, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो देखिए मेहनत का तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स से लेकर के पीएससी के जितने भी टॉपर्स से लेकर के किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लें, सब लोग आपको तीन चीज बताएंगे। पहला आपको बताएंगे क्या हार्डवर्क, हार्डवर्क, और दूसरा आपको क्या बताएंगे कंसिस्टेंसी। अभी की डेट पे यदि आपको कोई पेपर निकालना है, अभी की डेट पे आपको यदि कोई पेपर निकालना है तो आप सोच लो कि आप इन दो के बिना एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो असंभव इम्पॉसिबल। तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। मैं मानता हूं कि ये आपको बहुत लंबा हो गया, समझने में एक बार में याद करने में दिक्कत आएगी, तो कोशिश करिएगा दोबारा आप वीडियो को टुकड़ों में एक बार फिर से देखिएगा, या आप प्रॉपर नोट करके चल रहे हैं तो एक बार प्रॉपर्टीज को आप नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। जब शुरुआत मैंने की थी समझने की तो मेरे को भी टाइम लगा था, मेरे को भी पढ़ने में 5 से 6 बार लगा है, सालों की मेहनत है तभी ये आज मेरे को याद है। इसीलिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। तो चलिए ये आज की क्लास में क्या किया है हमने, त्रिभुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी गुण थे उनको हमने समझा है। इसके बाद में आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में जितनी भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी है, इस सारी के सारी प्रॉपर्टीज के जो भी आपके इसके अंतर्गत आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे। तो यहां से क्या होगा हमारा समतल आकृतियों वाला जो चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सर्कल, वृत्त पढ़ेंगे, फिर एरिया देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। तो लगभग लगभग 4 से 5 क्लास में हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरे डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के समय उसी के पैरेलल में जो आपका कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर भी आपका 4 से 5 क्लास में कवर हो जाएगा। हाँ, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या आप वायरस एंटीवायरस पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो कुछ भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। वायरस एंटीवायरस भी आपको पढ़ाया जाएगा, मल्टीमीडिया भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितना भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ समय आ गया है आपसे विदाई लेने का, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, बाय बाय।